नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। हम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है अदिति, वो जरा दर्शकों को बता देते हैं। कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की तरफ से दलीलें दी जा रही है, उसमें पाकिस्तान को करारा जवाब देने की खबर है। ICJ में भारत ने यह आशंका जताई है कि कहीं सुनवाई से पहले ही जाधव को फांसी पर गुपचुप तरीके से पाकिस्तान ने ना चढ़ा दिया हो। भारत ने कोर्ट के सामने अपनी 3 मांगे रखी है। भारत की पहली मांग यह है कि पाकिस्तान ये सुनिश्चित करे कि सुनवाई पूरी होने तक कुलभूषण को फांसी ना दी जाए। दूसरा पॉइंट यह है, दूसरी मांग यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट को यह बताए कि उसने कुलभूषण की फांसी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। और भारत ने तीसरी मांग रखी है कि पाकिस्तान सुनिश्चित करे कि भारत और कुलभूषण जाधव के अधिकारों का हनन ना हो। भारत की ओर से डॉक्टर दीपक मित्तल और हरीश सालवे ने अपना पक्ष रखा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के मामले में सीधे सीधे वियना संधि, वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। प्लीज इंडिकेट प्रोविजनल मेजर्स दैट ए द गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान टेक ऑल मेजर्स नेसेसरी टू इंश्योर दैट कुलभूषण सुधीर जाधव is not executed. B, that the government of the Islamic Republic of Pakistan report to this court the action it has taken in pursuance of the indication. And C, that the government of the Islamic Republic of Pakistan ensure that no action is taken that might prejudice the rights of the Republic of India or of Kulbhushan Sudhir Jadhav with respect to any decision this court may render on the merits of India's application. In such circumstances, including where there is no response to the request made through diplomatic channels, there is an immediate threat that death sentence against Mr. Jadhav may be carried out even before India has the opportunity to be heard and the court has a chance to consider the merits of the case, and thus causing irreparable prejudice to the rights of India and Mr. Jadhav. कुलभूषण जाधव मामले में नीदरलैंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट में भारत का पक्ष वकील हरीश सालवे ने रखा। सालवे ने पाकिस्तान के उन सभी आरोपों को खारिज किया जिसके आधार पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। सालवे ने कहा, कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, उनसे दबाव बनाकर बयान दर्ज करवाया गया, कबूलनामे वाले वीडियो से छेड़छाड़ भी की गई है। पाकिस्तान की सैन्य कोर्ट में तथाकथित सुनवाई का भारत को कोई सबूत नहीं दिया गया। भारत को जानकारी मीडिया से मिली, जाधव को काउंसलर की मदद भी नहीं दी गई, न माता पिता को मिलने दिया गया, न 16 बार राजनयिक मदद की गुहार के बाद भारतीय राजनयिकों को मिलने की अनुमति दी गई। वियना संधि में राजनयिकों से मिलने की अनुमति देने की बात है जिसका पाकिस्तान ने सरासर उल्लंघन किया है। भारत को आशंका है कि कहीं कुलभूषण को पाकिस्तान में फांसी न दी जा चुकी हो, क्योंकि वो कहाँ है और किस हाल में है इसकी भारत के पास कोई जानकारी नहीं है। सालवे ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कुलभूषण की रिहाई की मांग की, साथ ही सुनिश्चित करने को कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण को फांसी न दे और इंटरनेशनल कोर्ट के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करे। Despite India's requests, Pakistan has denied consular officers the right to visit Jadhav. The denial of access to Jadhav has resulted in consular officers of India being unable to arrange for legal representation of Jadhav and to assure themselves also of his safety and his well-being in custody. भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने जासूसी के इल्जाम में 11 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई थी। भारत का आरोप है कि कुलभूषण को ईरान से अगवा करके मार्च 2016 में बलूचिस्तान लाकर उस पर झूठा केस दर्ज किया गया था। भारत ने कुलभूषण को राजनयिक मदद देने की 16 बार अपील की थी, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इनकार कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत ने 8 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 9 मई को अंतरिम रोक लगा दी थी। इससे पहले 18 साल पहले भारत और पाकिस्तान इसी कोर्ट में आमने सामने हुए थे, जब पाकिस्तान ने हस्तक्षेप की मांग की थी कोर्ट से। भारत ने उनकी नौसैनिक जो उनका विमान है उसको मार गिराया था, ये बात कहकर कोर्ट में घसीटा था। वैसे अभी पाकिस्तान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक को खत्म करने की मांग करते हुए तलाक के लिए नया कानून लाने की बात कही है। ट्रिपल तलाक की जगह नया कानून लाने की बात केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में कही। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा,
पाक बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी देश भी अब सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, पर हम धर्मनिरपेक्ष देश होने के बावजूद इन मसलों पर आज तक बहस ही कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक के साथ साथ हलाला और बहुविवाह पर भी सुनवाई की जाए, क्योंकि तीनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कई देशों में वैवाहिक कानून की लिस्ट भी कोर्ट को दी, साथ ही देश के 4 हाई कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास सीमित समय है, ऐसे में निकाह हलाला और बहुविवाह पर सुनवाई नहीं की जा सकती। अभी हम सिर्फ सीमित समय में 3 तलाक मामले की सुनवाई ही करेंगे, बाकी मामलों की सुनवाई पर बाद में विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, तलाक के तीनों फॉर्म को रद्द कर दिया जाए तो मुस्लिम पतियों के पास क्या विकल्प होगा? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केंद्र इस पर कानून लाने को तैयार है, इस मुद्दे पर कोई वैक्यूम नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पर्सनल लॉ की भी समानता के अधिकार और लैंगिक समानता के अधिकार से तुलना होनी चाहिए। 3 तलाक संविधान के विपरीत है, ये महिलाओं के समानता के अधिकार और उनके मानव अधिकारों के खिलाफ है। शादी और तलाक का किसी धर्म या धार्मिक प्रथा से कोई लेना देना नहीं है। किसी के जीवन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ट्रिपल तलाक पर कड़ी टिप्पणी की थी, इसे शादी खत्म करने का सबसे खराब तरीका बताया था। ऐसे यूपी में 17th यानी 17वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज पहला दिन था, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामे की सारी हदें पार कर दी। लोकतंत्र को शर्मसार करने के लिए जो जो हो सकता था, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने यूपी विधानसभा में आज वो सब किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान चेयर की ओर कागज के गोले बनाकर फेंके। यूपी में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए सदन में जमकर नारे लगाए और सीटियां तक बजाई। हंगामा कर रहे समाजवादी पार्टी विधायक बेंचों पर भी खड़े हो गए और उन्होंने पोस्टर लहराकर योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा करते हुए चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंच गए और वेल में खड़े होकर हंगामा करने लगे। सरकार ने हंगामे को बेवजह बताते हुए आरोप लगाया कि चुनाव हारने की तिलमिलाहट है। 5 साल कुशासन क्यों रहा, सुशासन क्यों नहीं रहा और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज क्यों रहा, आज उन्होंने अपना परिचय समाजवादी पार्टी ने हाउस के अंदर दिखा दिया। तक जिन लोगों ने प्रदेश का शोषण किया, अपराधियों को, भूमाफियाओं को, बलात्कारियों को जिन लोगों ने संरक्षण दिया, वह सरकार के कामों को पचा नहीं पा रहे हैं और 50 दिन की सरकार के काम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आज जो भी सदन के अंदर हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दलित, पिछड़े और मुसलमानों का घर घोर अपमान किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है। ऐसे समय में राज्यपाल का अभिभाषण का जूतों दिलों से सभी दलों ने भी खुद किया। हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने अभिभाषण पूरा किया। यूपी विधानसभा का सत्र 22 मई तक चलेगा। इस दौरान सदन की 6 बैठकें होंगी। 6 दिन में विधानसभा सत्र के दौरान जीएसटी स्टेट बिल भी पेश किया जाएगा। पहले दिन की कार्रवाई के सीधे प्रसारण के लिए विशेष इंतजाम किए गए। तो विपक्ष की तरफ से लगातार हो रहे हंगामे के चलते राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की चुप्पी के बीच आज केजरीवाल की पत्नी ने पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा पर हमला बोला। सुनीता केजरीवाल ने कपिल मिश्रा पर आज सुबह ट्विटर से निशाना साधा। उन्होंने कपिल मिश्रा को धोखेबाज बताया और केजरीवाल पर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा करार दिया। कुदरत का कानून कभी गलत नहीं होता। कपिल ने विश्वासघात और झूठ के बीच बोए हैं, इसलिए वो जैसा बोएंगे वो वैसा ही काटेंगे। कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल की पत्नी को ट्विटर से ही जवाब दिया। उन्होंने लिखा, सुनीता केजरीवाल जी सच में अनजान है, वो अपने पति के पतन से परेशान है, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। सुनीता केजरीवाल जी साधना में रत पत्नी है, उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उनके घर में कैसे कैसे कुचक्र रच जाते हैं, वो अपना धर्म निभा रही है। कपिल मिश्रा ने सुनीता केजरीवाल के खिलाफ सीधे कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन साफ किया कि अस्पताल से छुट्टी मिलते ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ हवाला, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग की सीबीआई और सीबीडीटी से लिखित शिकायत करेंगे। दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई में 3 शिकायतें दर्ज कराई हैं। कपिल मिश्रा ने दिल्ली के टैंकर घोटाले में एसीबी को केजरीवाल के खिलाफ अहम दस्तावेज सौंपे हैं। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश दौरे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग पर भूख हड़ताल पर हैं। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी को मिले चंदे की जानकारी चुनाव आयोग और इनकम टैक्स विभाग से छिपाने के भी आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा का समापन करने पहुंचे।
अमरकंटक पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने नर्मदा मंदिर में विशेष पूजा की। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। पूजा के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने मां नर्मदा के संरक्षण के लिए नई योजना का भी ऐलान किया। जब वक्त बदलता है तो कहां से कहां पहुंचा दे, और जब अधिकार भाव प्रबल हो जाता है, कर्तव्य भाव क्षीण हो जाता है, तब ये समस्याएं पैदा होती हैं जो आज हमें नर्मदा सेवा के लिए निकलना है। नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल होने के लिए पीएम मोदी दिल्ली से विशेष विमान के जरिए जबलपुर पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर से वो अमरकंटक गए। नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत 11 दिसंबर 2016 को नर्मदा के उद्गम अमरकंटक से हुई थी। 148 दिन के दौरान नर्मदा सेवा यात्रा ने करीब 3,500 किलोमीटर का सफर तय किया। नर्मदा सेवा यात्रा उज्जैन, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर और रीवा डिवीजन के 16 जिलों से गुजरी। नर्मदा सेवा यात्रा के समापन समारोह की सुरक्षा के लिए 4,000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। समापन समारोह में लोगों को पहुंचाने के लिए करीब 5,300 बसें लगाई गयी। तो नर्मदा सेवा यात्रा के समापन समारोह के दौरान 5,00,000 लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। एसएल ग्रुप के 90 साल होने पर दिल्ली में कल शाम एक समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर आए। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 5,000 करोड़ रुपए के साथ डीएससी फाउंडेशन की शुरुआत की। पीएम ने सराहना की। लकीर पर चलेंगे तो एक का एक ही लाभ होगा, एक के सामने एक का ही लाभ मिलेगा, लेकिन इस नए रास्ते से हम 10 या 100 गुना लाभ ले सकें इस डीएससी फाउंडेशन का काम उसको पहुंचाना होगा, और समाज में अपनी मुसीबतों से लड़ने की शक्ति लोगों में पैदा करनी होगी, कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी, ये हम सबका मानना है। सारथी अपने आप में साथी भी है। इस सारथी के माध्यम से अधिकारों की पूर्ति कैसे हो, कर्तव्य की अनुभूति कैसे हो और कर्तव्य का दायित्व निभाने का प्रयास कैसा हो, उसका एक अच्छा सा जुड़ाव उसके अंदर नजर आ रहा है। मैं इस कल्पना के लिए आपको बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि समाज के उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में टेक्नोलॉजी के उपयोग से लोगों की सहायता करने का एक बहुत बड़ा काम इसके द्वारा होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एसएल ग्रुप को 100 साल में भी यंग बने रहने की शुभकामना दी। और कोई सोच सकता है कि सॉइल से लेकर के सैटेलाइट तक अपने आप को विस्तार कर देना, आज भी आपने देखा होगा उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो नया विजन दिया है, जिसको मैं कहूं तो एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द एसएल ग्रुप फॉर इट्स सक्सेसफुल 90 years journey, and I appreciate the adjective young at 90. पीएम नरेंद्र मोदी ने एसएल ग्रुप का जन सशक्तिकरण अभियान सारथी भी लॉन्च किया। समारोह में एसएल ग्रुप के 90 साल के कामयाबी के सफर पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। समारोह में कारोबारी क्षेत्र में नाम कमाने वाले खास लोगों का सम्मान भी किया गया। समारोह में राष्ट्रपति पीएम के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और कारोबारी जगत की हस्तियां भी शामिल हुईं। एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हरियाणा में रोहतक के बाद गुरुग्राम में गैंगरेप की खबर और पंजाब में शहीद के परिवार से कैसे हुई बदसलूकी, सब कुछ ब्रेक के बाद।